नमस्कार दोस्तों, ये टाटा एस ईवी और आज 17 साल बाद आज 17वां बर्थडे है टाटा एस का। और आज 17वां बर्थडे पे इसे एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन दिया गया है, एक इलेक्ट्रिक इंजन दिया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एस पहले जैसी ही नई रिफ्रेश मॉडल जो आया था उसकी जैसी दिखती है, पर जो मेन बदलाव है इसका इलेक्ट्रिक इंजन है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नया डिज़ाइन आगे ग्रिल और बम्पर के लिए और हेडलाइट के लिए वापरा गया है, थोड़े से बदलाव किए गए हैं। ये वेंट्स यहाँ पे दिए गए जिससे कि हवा अच्छे से काट सके, और जितना हवा अच्छे से काटेगी उतना रेंज देगी। और मैं आपको इसके बारे में ही बताना चाहता हूँ कि इसकी 600 किलो की लोडिंग कैपेसिटी है, और 36 BHP का पावर है, 130 Nm का टॉर्क है। ये इसका चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे, जो चाबी से खोला जा सकता है। और ये इसकी बैटरी है जो लिक्विड कूल्ड है, पानी से ठंडी की गई है, उसका कूलेंट दिया गया है, तो बैटरी हमेशा ठंडी रहेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी 600 किलो की लोडिंग कैपेसिटी है। और ये जो यहाँ पे है वो 208 फीट की जगह आपको यहाँ पे मिल रही है सामान रखने के लिए। ये इसका स्पेस सेवर टायर है पंचर के लिए। और बदलाव तो बाहर से ज़्यादा नहीं है, सारा बदलाव तो अंदर से ही है मेजर। इंटीरियर की बात करें तो डोर ऐसे खुलता है, आप देख सकते हैं, एक नया स्टीयरिंग है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पे आपको स्क्रीन मिल रही है जिससे कि आप अपना फ़ोन पेयर कर सकते हैं, व्हीकल की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और ये सारे इसके इंफॉर्मेशन मीटर्स हैं। रिवर्सिंग कैमरा मिल रहा है यहाँ पे, जो आपका काम आसान बना देता है। ये ऑडियो कंट्रोल्स है, चार्जिंग पॉइंट है, रोटरी डायल है जो सबसे पहले जैगुआर लैंड रोवर में देखा गया, फिर टाटा पैसेंजर सेगमेंट में आया, और आज अभी कमर्शियल सेगमेंट में आ रहा है। यहाँ पे फायरवॉल दी गई है क्योंकि इंजन इसके नीचे है, और हैंड ब्रेक ही रहा। ये इसका सीट एडजस्टमेंट है, चाबी कुछ ऐसी दिखती है, और ये इसका इंटरव्यू मिरर है। कैबिन हमेशा से अच्छा रहा है, इसकी सीट की कवर यहाँ पे बहुत अच्छी मिल रही है, सीट बेल्ट भी दिया गया है। और इसके इंटीरियर में बस यही एक बहुत बड़ा बदलाव है कि यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है अभी डिजिटल मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको डिजिटल मिल रहा है। और ये है इसका AC वेंट, और वो है एक ग्लव बॉक्स जिसमें आप ताला लगा के अपनी चीज़ें वहाँ पे रख सकते हैं। 36 BHP, 130 Nm, 155 km की रेंज पर चार्ज, फास्ट चार्जिंग में 3 घंटे और स्लो चार्जिंग में घर की चार्जिंग पे 8 से 9 घंटे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी एस्पेक्ट है टाटा ACV की। और फिलहाल तो 40,000 ऑर्डर हैं बड़ी कंपनियों से, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट एक्सेट्रा, जो इसे यूज़ करेंगे लोकल डिलीवरीज के लिए। और मैं आपको इसके बारे में क्या बता सकता हूँ, 22% ग्रेडेबिलिटी है जिससे कि ब्रिज चढ़ना शहरों में काफ़ी आसान हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक है, एक ही गियरबॉक्स, एक ही स्पीड का गियरबॉक्स है जिससे कि पिकअप में आपको कभी तकलीफ नहीं आने वाली। पेट्रोल डीजल CNG के बाद इलेक्ट्रिक वर्जन मिल रहा है। बाज़ार में नॉर्मल पब्लिक के लिए कब उतरेगी ये तो पता नहीं, बट 40,000 गाड़ियों का ऑर्डर मिल चुका है। इस वजह से टाटा को सेल्स में, जो टाटा ACV की जो सेल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली हैं आने वाले महीनों में। और हम भी कोशिश करेंगे चला के आपको बताने की इस बारे में। फिलहाल तो हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आज इसको 17 साल हो गए हैं, आज एक इसका इलेक्ट्रिक वर्जन आ गया है, और पेपर पे तो काफ़ी बढ़िया व्हीकल दिख रही है, काफ़ी लोड उठा सकती है, चार्जिंग टाइम बढ़िया है, बैटरी वाटर कूल्ड है। और एस का जो हमेशा से बेनिफिट रहा है वो है टाटा की सर्विस सेल्स, जिससे कि एस को खरीदना, मेंटेन करना, चलाना काफ़ी आसान हो जाता है। ईवी में तो मेंटेनेंस ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से एस ईवी बहुत ही ज़्यादा चलने वाली है। और अगर चार्जिंग का काम, चार्जिंग सेटअप अगर आपको आपके नज़दीक है और आप सिर्फ शहर में डिलीवरीज करते हैं, तो एस ईवी से अच्छा आपके लिए फिलहाल और कुछ है नहीं सेगमेंट में। फिलहाल तो मैं अभी इतना ही बता सकता हूँ आपको, मुझे इतना ही पता है इसके बारे में। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा टाटा मोटर से पूछ के। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग कार्स, बाइक्स, कमर्शियल व्हीकल्स करते हैं, तो अगले वीडियो के लिए भी तैयार रहिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए। और अगले वीडियो तक अलविदा, मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। बाय।